सो हेलो एवरीवन, तो एक नया प्रोडक्ट का अपडेट देता हूँ जो मार्केट में आया है। ये मैंने बॉक्स तो खोल के रखा है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, और इसके अंदर है, टाइटल देख के तो शायद आपको पता है क्या है, तो डिबग कार्ड है। तो ये लेटेस्ट डिबग कार्ड है जो सबसे अपडेट है। तो देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है TL631 Pro। तो ये पीछे से भी बहुत शानदार, यहाँ पर भी दो चिप है, पर ये आयो नहीं है, पर कुछ चिप है, डिटेल्स में देखना पड़ेगा ये क्या है। पर देख सकते हो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी है। और बात करें तो IT इसका जो आयो है, IT8892E है, और एक है ACTEL का, ये प्रोग्रामेबल आयो है। तो क्या है, अपडेट जब होता है तो जिसमें ज़्यादा प्रोग्राम डाला जाता है उतना कोड वो जनरेट करता है। तो देखो जाते हैं, तो इसमें एक यूज़र मैनुअल है जो कि कौन कौन सा पोर्ट पे ये काम करेगा, देख सकते हो। तो सारा कुछ है इसमें ये, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, कोई भी काम नहीं आएगा हमारा। पर ये जो कोड है ये भी चाइनीज़ लैंग्वेज में है, पर यहाँ पर आप सिंबल देख के पता कर सकते हो कि कौन सा बोर्ड में डिबग कार्ड कहाँ पर जाता है। LPC जो पोर्ट होता है, डिबग पोर्ट, LPC पोर्ट, बहुत सारा पोर्ट है, ये पोर्ट कौन कौन सा पोर्ट पे जाता है, इसके अंदर यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो इससे जो थोड़ा सा बैकडेट है ये है TL631 Pro। तो इससे बैकडेट जो है ये है ये वाला TL611 Pro। तो ये देखो ये है TL611 Pro, इसका पीछे प्लेन है, कोई IC वगैरह नहीं है, तो इसमें है। तो ये साइज़ में भी थोड़ा सा छोटा हो गया जब अपडेट हुआ है। तो ऐसे अगर रखेंगे तो देखो साइज पे भी ये देखो इतना सा फ़र्क है साइज़ में भी थोड़ा सा, मतलब इतना छोटा है ये नया वाला जो है, थोड़ा सा छोटा है जो 31 और 611 जो है थोड़ा सा बड़ा है। पर देखो कोड तो बराबर आता है, पर इससे जो 31 है ये इससे भी ज़्यादा, मतलब 611 Pro से भी ज़्यादा कोड जनरेट करेगा। मतलब अपकमिंग जो भी मदरबोर्ड है नेक्स्ट जनरेशन में, वो बहुत सारा कोड जनरेट कर लेगा इससे। और इससे पहले जो आता था वो है ये वाला डिबग कार्ड, तो ये 460S Plus। तो ये देखो सबसे बड़ा है, तो TL460S Plus, तो ये सबसे बड़ा है। मतलब उससे पहले ये थोड़ा सा छोटा हुआ है 611 Pro, और उससे भी छोटा है 631 Pro TL। तो बात हम आज इसके बारे में करेंगे, तो ये सारा हटा देते हैं। तो ये है 631 Pro, यूज़र मैनुअल भी हटा देते हैं। तो देखो बेसिकली मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर जो भी है उस 611 Pro में भी जितना LED था, इसमें भी सेम LED है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम LED है, ठीक है। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ LED सेम है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओ इसमें एक ज़्यादा है, 2, 4, 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं 6 करके ही है, लगभग सेम ही है, ठीक है, देख सकते हो लगभग सेम है। ये 31 है और ये 611 है, तो थोड़ा सा साइज़ में छोटा हो गया। और इसका पीछे में ऐसा टाइप का कुछ कर दिया है, और इसका जो पीछे में है ये सिंपल है, देख सकते हो। और इसका पीछे दो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ चिप डाला है, और यहाँ पर एक मतलब कोडिंग का ये प्रिंटेड है, पर इसमें लाइट नहीं आएगा, पर लाइट इधर आएगा जो कोड जनरेट यहाँ पर होगा। तो देखो पहले ही बता दूँ, गीगाबाइट का AMD सीरीज का जो भी बोर्ड है ये कार्ड उस बोर्ड में सपोर्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर LPC पोर्ट में ये ले लेगा। इंटेल का बोर्ड में LPC पोर्ट है तो ही लेगा, अदरवाइज मिनी PCI में ये नहीं लेगा, वो मैं एग्जांपल के तौर दिखा दूंगा, वीडियो पे बने रहो। और गीगाबाइट का AMD सीरीज में जितने बोर्ड है ले लेगा, MSI का जितने भी बोर्ड है ले लेगा, MSI का LPC पोर्ट में ज़्यादातर ले लेगा। चाइना बोर्ड जो है, अगर छोटा वाला डिबग कार्ड में जो फॉक्सिन फॉन्टेक का 61 का बोर्ड है उस बोर्ड में कोड नहीं लेगा, अगर LPC पोर्ट है ये वाला और ये वाला तो ले लेगा। और क्या, और मतलब लगभग बोर्ड में ये ले लेगा, पर अपकमिंग जो बोर्ड आ रहा है अभी नेक्स्ट जनरेशन 400 सीरीज़, 500 सीरीज़, 600 सीरीज़, उसके बाद 700 सीरीज़ आएगा, 800, 900 करके सीरीज़ आएगा, पर ये डिबग कार्ड तब भी सपोर्ट कर लेगा। मतलब
4 साल में जितना बोर्ड आएगा वो सारा का कोड डाला हुआ है ऑलरेडी, वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग लगभग पहले देखते हैं हम इसका जो इंटेल का बोर्ड है, एक बोर्ड मैंने रेडी करके रखा है, मैंने देख भी लिया है। तो देखो इंटेल का ये एक बोर्ड है, तो मुझे फ़ोन को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूँ। तो लगभग इंटेल का जो बोर्ड है ये 61 है और ये एचओ मॉडल का है, इसमें एलपीसी पोर्ट नहीं है, ओनली WW पे है और एसए पे है। तो इस बोर्ड पे देखो कोड नहीं लेगा बराबर, तो ये इस बोर्ड भी चला के देखते, ये अच्छा बोर्ड है। तो 611 प्रो पे भी नहीं लेगा और 631 पे भी नहीं लेगा कोड। तो अभी दोनों डिबग कार्ड देख रहे हो, तो पहले मैं इसे डालता हूँ और ये पीछे दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे कि कोड भाई लेता है कि नहीं। तो देखो ये जेन्युइन मदरबोर्ड है, चलता है, और कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले हम दिखा देंगे क्योंकि कोड लेता है कि नहीं वो देखना है हमें। तो ये देखो पावर दिया, दोनों पे ही PS ऑन आ गया, देख सकते हो उसमें भी आया और इसमें भी 31 पे भी आया है। तो अभी मैं टिगर देता हूँ, ये देखो टिगर दिया, दोनों पे LED का कम्बिनेशन देखो सेम है। तो इसमें भी जो है, और नीचे वाला देखो ये बीच वाला, ये 31 प्रो है और ये 31 प्रो है, तो ये नया है लेटेस्ट। तो देखो दोनों में सेम सेम कुछ हो रहा है, इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है पर कोड किसी पे भी नहीं है, पर डिस्प्ले बोर्ड में आ चुका है। एक सेकेंड, कीबोर्ड कहाँ पर है? हाँ ये देखो, एक सेकेंड, बोर्ड का बहुत लार्ज जम गया है यहाँ पर। तो ये देखो डिस्प्ले इसका आ चुका है, ठीक है, ये देखो कीबोर्ड पे देख सकते हो, बोर्ड अच्छा है पर कोड आपका जेनरेट नहीं होगा। तो यही है फंडा, अगर यहाँ पर LPC पोर्ट में जो WW सीरीज में आता है और एक SS सीरीज में आता है और एक सीरीज में आता है 61 का इंटेल का, उस पोर्ट में ये डेफिनेटली ले लेगा। तो ASUS का जो 110 का मदरबोर्ड है वो PS2 पोर्ट के पीछे LPC पोर्ट डिवाक है उसमें ले लेगा ये कार्ड। तो देखो सेम इंटरफेस है, एक सेकेंड, तो इसे रिमूव करके ये बोर्ड हटा देता हूँ और एक GB का बोर्ड लेता हूँ, उसमें देखो दोनों में सेम तरह से कोड जनरेट होगा। तो ये हटा देता हूँ और एक GB का बोर्ड में ले लेता हूँ, तो GB का बोर्ड में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। GB में ये बराबर कोड जनरेट होता है और चाइना बोर्ड में अगर LPC पोर्ट हुआ तो कोड दे देगा, अदरवाइज जो चाइना 61 का मदर बोर्ड है उस बोर्ड में क्या है, ये 611 और ये है 631, उस बोर्ड में क्या है कोड नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है पर मैंने अभी चेक नहीं किया, पर डेफिनेटली नहीं आएगा, अगर LPC है तो आएगा। तो देखो ये एक बोर्ड भी लगा दिया और इसका इसका थोड़ा सा पावर डालते हैं। तो देखो ये तो अभी उस कार्ड में कोड ले रहा है पर इस कार्ड में क्यों नहीं ले रहा, एक सेकेंड, तो शायद पोर्ट का कुछ इशू है। तो पीछे का को पोर्ट में डालते हैं एक बार, इस पोर्ट में डाल के देखते हैं, तो इसे हटा देते हैं थोड़ा सा और इस पोर्ट में डाल के देखते हैं। तो देखो इस पोर्ट में ले रहा है, उस पोर्ट का इशू था थोड़ा सा। तो देखो इसमें कोड जनरेट होगा, डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है, B2 मतलब A9 A3 A9 AB, तो डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है, तो सेम ही होगा। और ये जो 611 प्रो है ये भी लगा के देखता हूँ उस पोर्ट में, ये बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ये जो LPC मतलब मिनी PCI है ये प्रॉब्लम है। तो चलो पीछे का जो एक पोर्ट है उसमें डाल देते हैं इसको और एक बार देखते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, ये है 631 और 611 पर इस पोर्ट में ही ले रहा है कोड, ठीक है, बाकी इसमें भी नहीं कोड ले रहा है, पर डिवा कट सही है डोंट मरी, पर ये पोर्ट का कुछ इशू है। तो देखो 631 प्रो में GB में डिस्प्ले आज कोडिंग दे देगा और 611 प्रो में इस पोर्ट में एक बार लगा के दिखा देता हूँ, ये देखो इस पोर्ट में भी कोड जनरेट होगा, ठीक है, तो ये पोर्ट का इशू है। तो GB में आ जाएगा, MSI का बोर्ड अभी रेडी नहीं है तो MSI पे भी एक बार दिखा देता, पर मैं बोल रहा हूँ जो MSI का LPC पोर्ट वाला बोर्ड है ज़्यादातर MSI में LPC पोर्ट मिल जाता है, तो मिल जाएगा आपको, ये कोड जनरेट हो जाएगा MSI के बोर्ड में। और लगभग और बहुत सारा बोर्ड है इधर उधर में, तो ज़्यादातर हमारा क्या है GB इंटेल और ब्रांडेड बोर्ड, और एक चीज़ ब्रांडेड जो बोर्ड है, ब्रांडेड बोर्ड में छोटा वाला, ये जो छोटा वाला PCI स्लॉट है, मिनी PCI स्लॉट, इसमें ब्रांडेड जो भी आपका HP का हो, लेनोवो का हो, कोई भी बोर्ड में कोड नहीं आएगा।
और ब्रांडेड बोर्ड में ज़्यादातर एलपीसी पोर्ट आपको मिल जाएगा। एलपीसी पोर्ट में हर बोर्ड में ही कोड आएगा, पर एलपीसी पोर्ट में, ओनली फॉर एलपीसी पोर्ट में, पर ये पोर्ट में आपका कोड नहीं आएगा। मिनी पीसीआई में जो भी ब्रांडेड सीरीज़ का, लेनोवो का आएगा, डेल का आएगा, एचपी का आएगा, मतलब जो भी बोर्ड आता है एसर का ब्रांडेड बोर्ड, सारा बोर्ड में एलपीसी पोर्ट आपको मिल जाएगा। जो भी सीरीज़ का हो, 41 हो, 31 हो, या फिर 61 हो, 110 हो, जो भी हो, उसमें क्या है, एलपीसी पोर्ट रहता है। उस पोर्ट में आपका दोनों डिबग कार्ड ही कोड ले लेगा। तो टॉपिक हमारा ये लेटेस्ट का है, TL631 Pro। फिर से एक बार देख लो कार्ड में, देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्लफ्रेंड बना लूँ सोच रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है, प्यार होगा इससे। देखो बहुत शानदार इसका डिज़ाइन है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखो लगभग लगभग जितने बोर्ड में कोड आएगा मैंने बता दिया, और चाइना बोर्ड में मैंने तो पहले ही बताया, अगर एलपीसी पोर्ट है तो आएगा, नहीं तो मिनी पीसीआई में नहीं कोड जनरेट होगा, पर कुछ कुछ बोर्ड में हो सकता है, वो आप ट्राई करो। अगर कोड नहीं आता तो मत समझो कि डिबग कार्ड ख़राब है, क्योंकि ये डिबग कार्ड ऐसा ही होता है, ये वाला जो डिबग कार्ड यूनिवर्सल है, तो हर बोर्ड में कोड जनरेट नहीं होता। पर इससे क्या होगा, लेटेस्ट, ये लेटेस्ट है, इससे क्या होगा, एक फ़ायदा आपका, आप जितने भी अपडेट होगा बोर्ड, मतलब जितने अपडेट सीरीज में आएगा, मैंने अभी बताया पहले, वो सारा कोड, जो बोर्ड में कोड ये लेता है, वो सारा बोर्ड में प्रॉपरली कोड जनरेट होगा, क्योंकि इसका जो आयो है, ये वाला आयो प्रोग्रामेबल आयो है, और इसमें लगभग ज़्यादा प्रोग्राम डाला गया है, क्योंकि अपडेट जब होता है तब प्रोग्राम ही ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ताकि हर बोर्ड को अच्छी तरह से वो डायग्नोस कर पाए, रीड कर पाए कोड को, कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगे और डिबग कार्ड आपको अगर अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो, पर कहाँ से परचेस किया ये मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब ये बहुत फ्रॉड होता है इस लाइन में। अगर मैं बता दिया, आपने परचेस कर लिया और आपका जो रिफर्बिश प्रोडक्ट आ गया, तो मेरा चैनल का और मेरा बदनाम हो जाएगा, मतलब आप मेरा नाम खराब करोगे, इसीलिए मैं डायरेक्टली ही ये आपको बोल नहीं सकता मैंने कहाँ से परचेस किया, क्योंकि ये रिफर्बिश में भी बहुत आता है, और ज़्यादातर लोग कम प्राइस के चक्कर में वही गलती करता है और बाद में घर आके कोड नहीं देता डिबग कार्ड, तो इसीलिए मैं एड्रेस नहीं बता पाऊँगा। अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना, तो मैं सेलर नहीं हूँ, ये सेल भी नहीं करता हूँ, जो मेरा क्लोज है, मुझसे रिलेटेड है, जुड़े हो, प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हो, उन लोगों के लिए दो एक मैं मंगवा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली सेल नहीं करता हूँ, तो किसी को चाहिए तो टेलीग्राम करना, मैं मैनेज कर दूंगा, और आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, पर अगर कोड जनरेट नहीं हुआ तो वो आपका लक है, क्योंकि रिफर्बिश में आ गया तो शायद आपका बोर्ड में काम नहीं कर भी सकता है। तो देखो कार्ड अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम करना, और कमेंट सेक्शन तो खुला है, डोंट वरी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।